मसनवी सहरुल बयान से इस बार जो 2020 में नवंबर में जो क्वेश्चन आया था वो इस तरह आया था। मसनवी सहरुल बयान से तो ये शेर था, इधर आसमां पर दरख्शंदा कद, उधर ये जमी पर मह चारदा। हाँ, बड़ा अक्स दोनों का जो जो नहर में लगा लूटने चांद हर लहर में। इसको अगर देखें तो पहले का इस इक्तबास में चांद किसके सामने ठीकरा लगने लगता है, ठीकरा लगने लगता है। बद्र मुनीर के हुस्न के सामने, बाग के फूल के रंग के सामने, या जमाने के मुंह को चार चांद लगने से, या बाजू पे बंधे नूर तन के सबब से, किसकी वजह से? तो इसका जवाब है ए, फर्स्ट वाला, बद्र मुनीर के हुस्न के सामने चांद ठीकरे लगने लगता है। ठेकरे कहते किसको? वो एक मिट्टी का आता है ठेकरा, उसके टुकड़े को ठेकरा कहते हैं। नजर आए इतने में जो एक बार चांद, जमाने के मुंह को लगे चार चांद। अजीब तरह का हुस्न था जहां फिजा के मह रू बरू, जिसके था ठेकरा। ठीकरा तो बता दिया आपको, रूबरू उसके किसके रूबरू था? बद्रे मुनीर के। हाँ, संजाफ गिरेबा करती अंगिया का ताल्लुक किससे है? संजाफ गिरेबा करती अंगिया का ताल्लुक किससे है? अंगिया कहते हैं जो औरतें पहनती है कुर्ते के नीचे, हाँ, सीने के पास पहनती है, उसको अंगिया कहते हैं। तो यहाँ पे इससे मुराद है लिबास। तीसरा सवाल का जवाब है इसका, तीसरा लिबास है अंगिया यहाँ पे है। देखिए, गिरेबा सॉरी, एक ओढ़नी जो हवा में हुबाब, इसे देखकर शबनम को आवे हिजाब। कहाँ गया? हाँ, वो करती वो अंगिया जवहर निगार, नया बाग और इब्तिदा की बहार। वो कुर्ती वो अंगिया, वो कुर्ती के नीचे और वो अंगिया जौहर निगार, नया बाग और इब्तिदा की बहार। यहाँ पे ये मुराद है, लिबास मुराद है, क्योंकि वो कुर्ती के नीचे पहनते तो वो जाहिर सी बात है लिबास ही होगा। उधर आसमां पर दरख्शां कद, इस वाले में पूछा है इस अशार में किसके हुस्न की तारीफ की गई। तो बद्र मुनीर, दूसरा क्वेश्चन, दूसरा आंसर है बद्र मुनीर वाला। बद्र मुनीर अब इसको पूछते हैं, इधर आसमां, हाँ ये वाले में, इस इक्तबास में आबे रवा किन माने में इस्तेमाल हुआ है? आबे रवा वाला शेर को पढ़ते हैं, देखिए कहाँ पे आबे रवा ये वाला लाइन। कहूं उसकी पोशाक का क्या बयां, कहूं उसकी पोशाक का क्या बयां, फकत एक पेश अर्ज आबे रवा। उसके पोशाक का क्या बयां करूं, फकत ये करेगा कि उसका पोशाक जो है पेश आबे रवा की तरह पेश है। तो यहाँ पे लिबास ही मुराद होगा, एक किस्म का रेशमी, एक किस्म का कपड़ा, एक किस्म का कपड़ा मुराद है यहाँ। इस अशार की रोशनी में बताइए कि यकायक बहुत सारे चांद एक साथ कैसे नजर आते। तो यहाँ पे देखिए उसने कहा है, हाँ, इधर आसमां पर जो पर दरख्शंदा यानी रोशन कद, उधर ये जमी पर मह चादा। हाँ, पड़ा अक्स दोनों का जो नहर में, तो जाहिर सी बात है नहर में पड़ा था अक्स, जो नहर में लगा लोटने चांद हर लहर में। तो लहर में एक हर लहर में चांद नजर आने लगा, मतलब जहां पे चांद का अक्स पर पानी की लहरों में नजर आना, ये मुराद है। अब आपको बता रहे हैं कि इस सहरुल बयान पर के कौन कौन सी मसनवियां, कौन कौन से सवालात अब तक आ चुके हैं। आपको बताते चले, बेनजीर किस मसनवी का किरदार है,
दिसंबर 1996 में पूछा था। तो ये था, वो बहुत इजी क्वेश्चन पूछा था सहरुल बयान का। दूसरी बार पूछा, मोहम्मद हुसैन आजाद ने ये किस मसनवी के लिए कहा था कि इस मसनवी के बाद इस मसनवी की जबान 100 साल बाद के इंसानों की जबान के मुशाबे। ये 1997 में पूछा था। ये भी गुलजार, ये सहरुल बयान का है। बेनजीर का किरदार किस मसनवी में है, ये पूछा गया था। ये 2007 में पूछा गया था, सहरुल बयान में है। मसनवी सहरुल बयान किस बहर में है, तो बहर मुताकारिब में है। सहरुल बयान के क्या माने हैं, 2011 में पूछा गया। बयान का जादू। जोगन का किरदार किस मसनवी में मिलता है, सहरुल बयान में मिलता है जोगन का किरदार। इसमें इनमें से कौन किरदार सहरुल बयान का नहीं है, 2011 में आया था दिसंबर में। दो तीन किरदार का नाम पूछ लिया था, जैसे बेनजीर का, बद्रे मुनीर का, महताब रुख का, नजमुन निसा का। तो यहाँ पे कौन नहीं है, महताब रुख का नहीं। मीर हसन किस मसनवी की वजह से मशहूर है, सहरुल बयान से मशहूर है। 2012 का क्वेश्चन है ये। कौन सी मसनवी मीर हसन की नहीं है, जून 2013 में पूछा गया था। कौन सी मसनवी मीर हसन की नहीं है, तो यहाँ पे दरिया इश्क, मसनवी शादी है, मसनवी सहरुल बयान, गुलजार एरम। शादी सहरुल बयान और गुलजार एरम तो है, दरिया इश्क नहीं है। दरिया इश्क उसका मीर तकी मीर का। मीर हसन ने कितनी मसनवियां लिखी, 11 या 12, कितनी मसनवियां लिखी, तो उसके बारे में आपको पता होगा कि 11 मसनवियां लिखी मीर हसन ने। मीर हसन ने 11 मसनवियां लिखी, आपको बता देते हैं तुम कंफर्म करके। हाँ, 11 मसनवियां लिखी। गुलजार नसीम के बरखिलाफ सहरुल बयान में कौन सा वस्फ ज्यादा है, जज्यात निगारी, ये पता है। ये 2013 में आया था। मसनवी सहरुल बयान क्या है, 2013 में पूछा गया था। तबाज़ाद है, माखज है, तर्जुमा है, बाजगोई है, ठीक है। ये क्या है, तर्जुमा है, बाजगोई है, तबाज़ाद है, क्या है ये आपको। ये तबाज़ाद है, तबाजात कहते हैं, तो लिखी हुई नहीं, तबाजात बताया गया कि तबाजात है, मतलब खुद लिखा है। अच्छा, और इसमें क्या पूछा था, मसनवी सहरुल बयान में नुजूमियों और रुमानों ने शहजादे को कितने बरसों तक खुले आसमान के नीचे, अच्छा, खुले आसमान के नुजूमियों और रुमानियों ने शहजादे को कितने बरसों तक खुले आसमान के नीचे ना लाने का मशवरा दिया था। तो 12 वर्ष तक ना लाने का इंतजार दिया था, 12 वर्ष की रात उसको देख लिया था। सहरुल बयान जिनों के बादशाह के बेटे का क्या नाम है, सहरुल बयान में जिनों के बादशाह के बेटे का नाम क्या है, दिसंबर 2013 में पूछा था, फिरोज शाह। मसनवी सहरुल बयान कब पाया तकमील को पहुंचा, 2014 में पूछा था ये। तो 1199 आपको बताएं, 1199 में हिजरी में, हिजरी भी पूछ लिया है। जमाने ने उसकी सहरा सहर बयानी पर तमाम शोरा और तज़किरा नवेज से मुख्तसर शहादत लिखवाया। जमाने ने उसकी सहरा बयानी, सहर बयानी यानी जादू बयान में तमाम शोरा और तज़किरा नवेशों से मुख्तसर शहादत लिखवाया। मसनवी सहरुल बयान के मुतालिक ये बयान किसका है, मोहम्मद हुसैन आजाद का है। मीर हसन का असल नाम क्या है, ये 2014 में पूछा गया था। 2014 में पूछा गया था
मीर गुलाम हसन नाम है, मीर गुलाम हसन। कौन सी मसनवी मीर हसन की नहीं है? इसमें तीन चार मसनवी लिखा है, दरियाए इश्क, ये तो पहले ही पूछ लगा, लेकिन 2014 दिसंबर में फिर पूछा है, दरियाए इश्क, मसनवी सादी, सहरुल बयान, गुलजारे रब, यानी मसनवी दरियाए इश्क के दिन 2014 में रिपीट हुआ है कुछ। बेनजीर और बद्रे मुनीर की राज मोहब्बत की खबर माँ रूह परी को किसने दी? 2000 जून 2015 में पूछा गया था। बेनजीर और बद्रे मुनीर के राज मोहब्बत की खबर माँ रूह परी को किसने दी थी? तो किसने दी थी? नजमुन निशाने देव ने दिया या जिन ने दिया था, बताइए। 127 में देव ने दिया। जमाने ने उसकी सेहरा बयानी पर तमाम शोरा और तस्करा ने वो नवेशों से मुख्तसर शहादत लिखवाया। मीर हसन ने आजाद ने मोहम्मद हुसैन आजाद ने ये जुमला किस मसनवी के ताल्लुक से कहा था? 2015 में पूछा था सहरुल बयान के मुताबिक। ये जेल उनवान किस मसनवी का है? दास्तान तैयारी में बाग की, हाँ 2015 में पूछा था। गुलजार नस्रें सहरुल बयान से पूछा था। मसनवी सहरुल बयान किस बहर में लिखी गई? फिर 2015 में पूछा गया था बहर मुतकारी में। मसूद शाह किस मसनवी का किरदार है? सहरुल बयान का है। जमीन नूर की आसमान नूर का, जिधर देखो उधर समा नूर का, ये मसनवी से अखज किया गया है 2016 में। सहरुल बयान से क्या गया है? मुखड़े का आलम वो कंघी का रंग, सबे माँ हो जो देख देख कर जिसको दंग, सितम तस पे सुरमे की तहरीर सी, खींची हाथ काफिर के शमशीर से, ये शार किस मसनवी के हैं? 2018 में पूछा गया था। सहरुल बयान का इश्क बाई तवायफ, ऐश बाई तवायफ किस मसनवी के किरदार है? ऐश बाई तवायफ याद रखिएगा। इसकी गुलजार सरल बयान का है, सरल बयान का जुलाई 2018 में पूछा गया था। ऐश बाई, ठीक है याद रहेगा, ऐश बाई तवायफ है। मसनवी सरल बयान में जिन्हों के बादशाह के बेटे का बेटा किस पर आशिक होता है? तो नजमुन निसा पर होता है जब वो जोगन बनती है। मीर हसन की वफात किस शहर में हुई? किस शहर में हुई? लखनऊ में हुई। हाँ ये पूछा था 2019 में कि मेरे शहर किस शहर में हुई, 2019 में हुई। इस शेर से पिला आतिशी आबे पीरे मुगां के भूले मुझे गरम वो सुरूरो जहां। इस शेर में सहरुल बयान के किस बाब का आगाज होता है? जून 2019 में पूछा गया था। दास्तान हमाम में नहाने की लुत्फ में, ये शेर स्टार्ट होता है। जेल में से दो जमरे दुरुस्त हैं, 2019 में पूछा गया था। बेनजीर बद्र मुनीर, हाँ फिरोज शाह या फिरोज शाह, बेनजीर नजमुन निसा, कौन सा जमरा सही है? फिरोज शाह, माहरुख, सलीम, ये तो गलत हो गया क्योंकि वो सलीम नहीं है, अलीम ये भी नहीं है, तौबतुन नसूह का किरदार है। बेनजीर ए और बी, बेनजीर बद्रे मुनीर फिरोज शाह, ये सही है, फिरोज शाह बेनजीर नजमुन्निसा, ये सही है। जेल में से एक दावा एक दलील दी गई है, उन्हें गौर से पढ़ें और सही जमरे की निशानदेही कीजिए। दावा, मीर हसन उर्दू के सबसे बड़े मसनवी निगार है। दलील, क्योंकि उन्होंने 11 मसनवियां लिखी हैं। तो ये कौन सा सही है? क्या उसने 11 मसनवियां लिखी हैं? दावा सही है और दलील भी, 20 है। दावा सही और दावा सही और दलील गलत। 12 मसनवियां लिखी। तो बताओ, मीर हसन ने उर्दू के सबसे बड़े मसनवी निगार हैं, ये तो सही है। दावा सही और दलील गलत। दलील, क्योंकि उन्होंने 11 मसनवियां लिखी हैं कि 12 मसनवियां लिखी, उन्होंने 12 मसनवियां लिखी हैं। हम इससे पहले बहस कर चुके हैं, उन्होंने 12 मसनवियां लिखी हैं।